नमस्कार साथियों मैं राजेश्वर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वॉरियर एग्जामपुर पर हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके अपने शो इस पार्टन बैच में जो हम लोगों ने एफ कैट के लिए लाया आपके लिए रेगुलर और एकदम बेहतरीन सेशन आपके लिए चला जा रहा है सारे सब्जेक्ट के सारे महारथी आपके साथ जुड़े हुए हैं और एकदम बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है तो हम लोग इसी सीरीज में अभी हम लोग कर रहे थे प्रीवियस क्लास में एनालॉगी टॉपिक आपके रीजनिंग में ठीक है तो मैं राजेश्वर एक बार फिर से आपके सेशन को कंटिन्यू करता हूं आ, आपका टॉपिक था आपका एनालॉगी और एक बेहतरीन सेशन हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि कैसे आपके नंबर्स वाले क्वेश्चन जो है एनालॉगी में वो आ सकते हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए दूसरे दूसरे पैटर्न को भी देखेंगे कि कैसे शब्दों पर आधारित वर्ड बेस्ड एनालॉगी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और फिर हम लोग बात करेंगे लेटर बेस्ड अगर आपके लेटर पर आधारित प्रश्न पूछते हैं तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे एकदम परफेक्ट मेथड कैसे आप एकदम एग्जैक्टली exactly सही आंसर तक आसानी से और जल्दी से पहुंच सकते हैं दो चीजें मैटर करती एक लॉजिक आपको लॉजिक पता होना चाहिए दूसरा प्रैक्टिस लॉजिक और प्रैक्टिस अगर दोनों आप करते हो प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करते हैं और आपके पास लॉजिक भी क्लियर है तो आप बहुत जानदार तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से जल्दबाजी में और तुरंत में आंसर कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग उसी सेशन को आगे भी कंटिन्यू करते गुड आफ्टरनून एवरी गुड आफ्टरनून सारे लोग जुड़ गए हैं थोड़ा सा आ, देख लेता हूं विशाल कुमार जी जय हिंद जय हिंद दोस्तों मानसी सिसोदिया जी विशाल कुमार जी ये लोग जुड़ गए हैं सोनू राजभर जी भी जुड़ गए हैं बाकी लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए थोड़ा सा शेयर को सेशन कर दी सॉरी सेशन को शेयर कर दीजिए ठीक है ये दोनों वर्ड थोड़ा सा मिलता जुलता है कभी कभी चलिए कोई बात नहीं ठीक है तो जल्दबाजी में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इसको ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाए और हम जो बेहतरीन सेशन कल के क्लास में किए थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जय हिंद प्रिया वर्षा राजन जी ठीक है बाकी सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी लोग अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं टॉपिक का ज्यादा कुछ नहीं हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में एनालॉगी जो है कर रहे थे एनालॉगी का हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस करा था फिर हमने नंबर्स वाले क्वेश्चंस करे थे हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चंस किया था वो किस पर बेस्ड किया था नंबर बेस्ड किया था तो नंबर बेस्ड को थोड़ा सा हम लोग और कर लेते हैं ठीक है तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे वर्ड बेस्ड और लेटर बेस्ड वाले सीरीज पर ठीक है वर्ड बेस्ड और आपके लेटर बेस्ड इस दोनों को भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो इसके बाद ये सारी चीजें हो जाएगी तो बाद में हम लोग देखेंगे फिगर वाले तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चंस को जहां से हमने आ, कल क्लास ड्रॉप करा था उसके आगे की चीजें हम लोग यहां पढ़ते। पर थे प्रीवियस क्लास में हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था फिफ्टीन नंबर तक हमने अटेम्प्ट किया था एक बार सारे लोग देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन हो गया था एक बार जल्दी से देख करके आप लोग सभी लोग बताओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी अभी शर्मा जी मनीष यादव जी सारे लोग जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी जो है गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड गुरु जी ठीक है विकास यादव बहुत सही बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग स्वागत करते हैं ठीक है आप सबों का भी स्वागत है हमारे क्लास में ठीक है चलिए भैया जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो, होगा ठीक है अब थोड़ा सा आ, मतलब लॉजिक से हटता हुआ क्वेश्चन को भी देखेंगे यहाँ से कि कैसे कैसे चीजें और भी तरह से पूछी जा सकती है यहां तक ठीक है सारी चीजें आगे हम लोग थोड़ा सा और चेंज करेंगे क्वेश्चन में अच्छा क्या आंसर होगा जल्दी से एक बार सारे लोग बता दीजिए इसका यहां पर सेवन फाइव एट फोर इसको क्या लिखा गया थ्री फाइव सिक्स टू और यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि फोर सिक्स सेवन थ्री इसी पैटर्न में किस नंबर से रिलेटेड होगा ठीक है इन विच इन विच पैटर्न सेवन फाइव एट फोर इज रिलेटेड टू फाइव थ्री सिक्स टू इन दैट सेम पैटर्न फोर सिक्स सेवन थ्री इज रिलेटेड टू विच नंबर किस नंबर से ये रिलेटेड होगा ठीक है तो हम लोग बात करें यहां पर क्या हो रहा था सीधे सीधे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर आप देखिए सेवन से फाइव हो गया ये हो गया थ्री ये सिक्स टू मतलब कहने का मतलब कितना माइनस कर दे रहा था सारे में माइनस कर दिया गया आपका टू को तो ये ये आपका आपका टू सिक्स ये आपका थ्री और ये आपका फाइव फाइव तो थ्री सिक्स टू ठीक इसी पैटर्न हम लोग फोर सिक्स सेवन थ्री में माइनस कर देंगे टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू को टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो गया टू फोर फाइव वन टू फोर फाइव वन ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ऑप्शन बी जिन लोगों का भी ये आंसर था बिल्कुल सही आंसर था चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से आंसर करिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का क्या उत्तर होगा चलिए विकास यादव जी आपका आंसर सही है विशाल जी का भी आंसर सही मनीष यादव का भी आंसर सही आ रहा है ठीक है बहुत ही शानदार अगले क्वेश्चन को देखिए और जल्दी जल्दी देखिए यहां पर आप कंसेप्ट भी सीखेंगे जो आपको डाउट होगा बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे क्योंकि आपको भी पता है कि एस और जो आपका डिफेंस एग्जाम या रेलवे के इनके एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते रीजनिंग में लेकिन जो आते हैं उसमें कुछ फंसाने वाले होते हैं कुछ आपके थोड़ा इजी होते हैं कुछ मॉडरेट होते हैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं अब जल्दी से आंसर करिए का क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है विशाल जी आपका भी आंसर सही है अभी वर्मा सिसोदिया जी आपका भी आंसर सही है मनीष सेविन विशाल ठीक है बाकी सब का आंसर सही आ रहा है ठीक है जल्दी-जल्दी आंसर -जल्दी करिए और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि क्या उत्तर होगा 17 क्या किसी को अभी तक लॉजिक मिला जल्दी-जल्दी आंसर -जल्दी करके बताइए कि हम लोग अगर बात करें सेवेंटीन नंबर में तो इसका क्या उत्तर जाना चाहिए कैसे हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है कि थ्री सिक्स फाइव थ्री सिक्स फाइव से ये नाइन्टी कैसे रिलेटेड सिक्स टू थ्री से आपको किस से रिलेट करना है ठीक है तो यहां अगर हम बात करें यहां ये लॉजिक से हटता हुआ क्वेश्चन है ठीक है इसमें नितिन बेटा ये आपको हम मैं बाद बता दूंगा कि एयरफोर्स ग्रुप वाई की क्लास चलेगी कब से है ना अभी शर्मा जी थर्टी सिक्स आ रहा है नहीं मिला लॉजिक ठीक है कुछ बच्चों को अभी लॉजिक नहीं मिला देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा था यहां अगर ऐसे हम देखें इसके फोर टाइम्स इसके फोर टाइम्स से भी कम वैल्यू है 365 से अगर फोर से डिवाइड करोगे तो 90 से थोड़ा कम वैल्यू जा जा जाएगा अगर उसको फोर से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई लॉजिक ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा क्योंकि ये वन के अराउंड चला जाएगा तो ये लॉजिकली रिलेटेड नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें कुछ भी लॉजिक नहीं काम करे तो आप क्या करेंगे इसको इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे इन डिजिट्स को डिजिट्स को जो है देखिए इस, इस नंबर में नंबर है आपका क्या नंबर है आपका नंबर है आपका 365 365 में डिजिट है आपके थ्री सिक्स और फाइव ये तीन डिजिट का ही वैल्यू को लाया जा रहा है कितने के बराबर नंबर नाइनटी uh, के बराबर तो कहने का मतलब डिजिट का मल्टीपल्स भी हो सकता है कई बार आपके लॉजिक अगर सेट ना हो तो आप इसको डिजिट्स इंडिविजुअल डिजिट्स लेकर के इसको कर देना तो ये देखिए आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्स जटीन एटीन फाइव जा, 18, 18, five, जा इसी प्रकार यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सिक्स टू और थ्री का तो क्या हो जाएगा सिक्स टू जा ट्व ट्व थ्री जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए यहां हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन का जल्दी से बताइए कि भाई इसका क्या आंसर होगा एटीन नंबर का थर्टी सिक्स आ रहा है थर्टी सिक्स बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा है ठीक है चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए और बताइए कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एटीन का अच्छा यहां पर एक थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा एक वैल्यू को यहाँ आप ऐड कर लेना यहाँ पर क्या है आपका एट टू फोर थ्री एट और थ्री टू एट ये आपका एक वैल्यू है इसको एक बार देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर एटीन का ठीक है ठीक है जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर एटीन का क्या उत्तर आएगा फटाफट सारे लोग सारे लोग एक बार लाइक कर दो सेशन को अगर समझ में आ रहा है चलिए ठीक है टू फोर थ्री को क्या लिखा गया आपका एट लिखा गया थ्री टू थ्री टू एट को क्या लिखा जाएगा क्या लॉजिक uh, हो सकता है जल्दी से बताइए फटाफट देखिए आपको जो भी वैल्यू लाना है इसको लाने के बाद ये छोटे छोटे वैल्यूज आपके ऑप्शन में दिए हैं इन्हीं में से कोई एक आंसर आएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें नीतीश जी का आंसर आ रहा है सेवन प्रिया वर्षा जी का आंसर है सिक्स राहुल जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी सिक्स आ रहा है ठीक है राहुल यादव भी सिक्स आ रहा है नितिन कुमार गौर का आंसर आ रहा है अच्छा चलो ओके okay. यहां बात करें हम लोग टू फोर और थ्री देखो इन नंबर से आपको क्या बनाना है एट बनाना है कैसे बन सकता है ये लॉजिक क्या हो सकता है तो आप अगर ध्यान से देखो टू फोर को अगर मैं थ्री से डिवाइड कर दूं ट्वेंटी फोर को अगर हम डिवाइड कर दे थ्री से तो आपका क्या वैल्यू बनेगा एट तो ये टू फोर थ्री को हमने क्या कर दिया बांट दिया एक इंडिविजल नंबर और डिजिट्स में या ट्वेंटी फोर एक साइड कर दिया थ्री को एक साइड कर दिया ऐसे ही थ्री टू एट को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग थ्री टू को एक साइड ले लें ले और ऐट से डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगा आपका फोर आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर uh, है ठीक है देखो अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते जहां पर आपके वो जो प्लस माइनस इंटू स्क्वायर क्यूब और आपके जितने भी लॉजिक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए उससे थोड़ा सा हट सकता है ई लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है तो ऐसा हो

फटाफट सारे लोग आंसर करिए हां बिल्कुल राहुल यादव ए होगा आंसर बिल्कुल सही है तमन्ना सिंह जी का आंसर आ रहा है फोर विकास यादव राहुल यादव और बाकी मानसी सिसोदिया जी का आंसर फोर है चलिए बहुत सही जिनका भी आंसर फोर आ रहा है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है ठीक है चलो बेटा आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर बता दियो कि भाई क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस का चलिए फटाफट फटाफट फटा 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 आंसर करिए चलो एक बार देखता हूं है ना यहां पर कुछ बच्चे बता रहे हैं सी आंसर होगा देखिए 63 से 9 63 से 9 तो ऐसे भी बन सकता है डिवाइड बाय क्या कर दें सेवन कर दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा नाइन यहां पर अगर हम बात करें किस चीज से डिवाइड करेंगे कि आपका फोर्टीन को फोर्टीन uh, आ जाए वैल्यू क्या आ जाए फोर्टीन आ जाए तो ये फोर्टीन आने के लिए अगर हम डिवाइड करेंगे सात से तो किस नंबर को करेंगे नाइन्टी एट को नाइन्टी एट को अगर सेवन से डिवाइड करेंगे तो फोर्टीन लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखो तो यहाँ पर कहीं भी आपका नाइन्टी एट है ही नहीं तो ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है दूसरा क्या हो सकता है दूसरा ऐसा कि कुछ और हम करके देखें तो दूसरा लॉजिक हम ये लगा सकते हैं कि सिक्स थ्री से नाइन कैसे बनाया जा सकता है तो नाइन सिक्स थ्री से इस तरह से बनाया जा सकता है कि सिक्स प्लस थ्री को इंडिविजुअली जोड़ दें तो ऐसे इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पर क्या बनना चाहिए क्या बनना चाहिए आपका फोर्टीन बनना चाहिए तो फोर्टीन बनने के लिए कौन सा नंबर है चार और दो छो नाइन और सिक्स फिफ्टीन हो गया सिक्स और एट सिक्स और एट सिक्स और एट को आप अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका फोर्टीन बन जाएगा. जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से देखिए और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए फटाफट सही है 68 जिनका भी आंसर आ रहा था बिल्कुल सही उत्तर आ रहा था ठीक है नंबर को क्या कर दिया गया था ऐड कर दिया गया था ऐड करके ये वैल्यूज बना दिए गए थे ठीक है चलिए बहुत ही शानदार मनीष यादव जी का भी आंसर आ रहा है सिक्सटी एट ठीक है बहुत सही बहुत ही शानदार चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बताइए कि भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का आंसर क्या होना चाहिए धीरज कुमार जी का भी आंसर आ रहा है सी ठीक है चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखो और बताओ कि इसका क्या उत्तर होगा चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका ट्वेंटी टू आ रहा है ठीक है चलो देखा जाए सेवन और टू सेवन और टू से क्या हो जा रहा है एटीन हो जाए फाइव सिक्स फाइव सिक्स से क्या हो जाएगा तो सेवन प्लस टू अगर आप करेंगे तो सेवन प्लस टू क्या हो गया आपका नाइन नाइन को अगर आप टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा एटीन तो फाइव प्लस सिक्स इन दोनों को जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है किस से टू से आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी इसका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इसको देखिए और जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए जल्दी से सारे लोग ध्यान से देखो और बताओ कि भाई इसका क्या उत्तर होना चाहिए चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 36 कुछ का आंसर अभी तक आया नहीं है तो चलिए देखा जाए यहाँ अगर हम बात करें 8 थ्री से 25 हो रहा है 25 एक स्क्वायर नंबर है ये कितने का स्क्वायर होता है आपका पाँच का स्क्वायर होता है तो ये कैसे लाया जा रहा होगा ठीक है तो यहाँ अगर हम बात करें ऐट और थ्री एट और थ्री को अगर हम माइनस कर दें और इनका स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइव फाइव का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा आपका पच्चीस यहाँ पर आपका थर्टी नाइन है तो थ्री और नाइन थ्री और नाइन को अगर घटा दें और इसका स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा थ्री में माइनस नाइन सिक्स सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका थर्टी सिक्स इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा वैसे यहाँ पर सारे नंबर आपके स्क्वायर फॉर्म में दिए हुए थे लेकिन यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका थर्टी सिक्स हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ट्वेंटी टू पर चलते हैं और देखते हैं जल्दी से इसका क्या उत्तर होना चाहिए चलिए ठीक है थर्टी नीतीश कुमार जी आंसर करें इक्कीस का थर्टी सिक्स बहुत सही है बहुत ही शानदार अब जल्दी से आप लोग आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का फोर्टी सेवन चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करिए फोर्टी सेवन से सिक्सटी फाइव कैसे रिलेटेड है उसी पैटर्न में आपका फिफ्टी नाइन से कैसे रिलेटेड होगा फोर्टी सेवन सिक्सटी फाइव से और फिफ्टी नाइन रिलेटेड होगा जल्दी से आप लोग आंसर कर दो एक बार फटाफट तेजी से चलिए अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है तो एक बार जल्दी से कोशिश करो और बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए क्या लॉजिक इसमें काम कर रहा है ठीक है किसी को लॉजिक काम किया कि क्या हो रहा है कैसे कर रहा है ये अभी तक तो किसी का भी आंसर नहीं आया है चलिए हम लोग एक बार देखते हैं फोर्टी सेवन से सिक्सटी फाइव एक तो कुछ डिफरेंस है लगभग मान लीजिए पचास और पंद्रह मतलब लगभग अठारह का डिफरेंस है एटीन का डिफरेंस है यहाँ पर एटीन का डिफरेंस करने पर ऐसा कोई वैल्यू नहीं बन रहा है तो कहने का मतलब ये लॉजिक तो नहीं काम कर रहा है अब दूसरे लॉजिक की तरफ अगर हम मूव करें दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है सिक्सटी फाइव तो यहाँ पर क्या किया गया तो मैंने बोला कि जब कुछ भी ना काम करे समझना है तो आपको इंडिविजुअल लेटर्स को इंडिविजुअली ले लेना है मतलब उसके नंबर्स को डिजिट के फॉर्म में ले लेना है यहाँ पर अगर हम फोर और सेवन फोर और सेवन की बात करें इससे हमें क्या बनाना था सिक्सटी फाइव तो कैसे बन सकता है तो हम लोग यहाँ पर फोर और फोर का स्क्वायर कर दें और प्लस सेवन का अगर स्क्वायर कर दें तो ये आपका सिक्सटी फाइव आ जाएगा फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन प्लस सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन इन दोनों का अगर आप ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव हो जाएगा इसी पैटर्न में अगर हम बात करें फाइव और नाइन तो फाइव का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका पच्चीस और प्लस कितना एट्टी वन तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा वन जीरो सिक्स ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा आपका सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा एक सौ छह एक सौ छह जिनका भी आंसर आ रहा था वो बिल्कुल क्या आ रहा है आपका सही उत्तर आ रहा है ठीक है चलिए यहां तक हमने अभी जितने प्रश्न देखे ये सारे क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड था आपके नंबर एनालॉगी हमने लगभग बाईस ट्वेंटी टू इसमें एनॉलॉगी के फिर हमने कुछ अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था अब हम लोगों ने एक टॉपिक एक मतलब पूरे कॉन्सेप्ट पे अपना अच्छे से कब्जा कर लिया ठीक है मुझे नंबर एनोलॉजी को अच्छे से क्लियर कर लिया आप सभी लोगों ने ठीक है तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले टाइप में जैसे मान लीजिए हमें देखना था कि वर्ड एनालॉगी और लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो चलिए हम लोग इसके तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि वर्ड एनालॉगी के क्वेश्चन कैसे आएंगे ठीक है चलिए यहां पर आपके क्वेश्चन हैं इसको ध्यान से देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच रिप्लेस क्वेश्चन मार्क कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके इस क्वेश्चन मार्क को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा ठीक है जल्दी सब बताओ भाई कि क्या आंसर होना चाहिए फटाफट सारे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अब यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्ड एनालॉगी वर्ड पर आधारित और फिर आपके लेटर पर आधारित ठीक है इन दोनों का अब हम लोग यहां से आगे देखेंगे चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका हम लोग बोल रहे हैं कड कि कर्ड किस से रिलेटेड आपका मिल्क से मिल्क से क्या बनता है कर्ड सू सू किससे बनता है तो सू आपका किससे बनेगा लेदर और कोई भी ये करिश्मा नहीं करोगे है ना कि ये करिश्मा नहीं कि भाई आजकल तो कपड़े से भी बन जा रहा है आजकल तो रेक्सिन का भी बन रहा है नहीं एक परफेक्ट जो लॉजिक है वो आपका किससे बन रहा है लेदर से ही आपका सू बनता है ठीक है चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहां आते हैं हम लोग और यहां पर देखते हैं क्वेश्चन को मलेरिया मलेरिया किससे रिलेटेड है मॉस्किटो से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें यही आंसर होना चाहिए लॉजिक काम कर रहा है फटाफट जल्दी से बताओ ठीक है लेदर लेदर बाकी सभी लोगों का आंसर क्या है सही आंसर आ रहा है ठीक है अब जल्दी से बताइए कि अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का मनीष यादव जी राहुल जी विशाल जी मानसी जी और बाकी सभी बच्चे सभी का आंसर सही आ रहा है ठीक है धीरज जीतू आदित्य गेम प्लेयर नीतीश कुमार जी सबका आंसर सही आ रहा है तो अब जल्दी से आप एक बार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा ठीक है श्याम सुंदर जी जीतू सिंह जी ठीक है सही आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का ठीक है जल्दी से आप बताइए कि इसका क्या लॉजिक होगा यहां देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे सी कर रहे हैं अच्छा ज्यादातर बच्चों के आंसर सी है ठीक है यहाँ पर समझते हैं ये मलेरिया है मलेरिया एक क्या है आपका डिजीज है डीजी और ये जो मॉस्क्यूटो है जिसके वजह से ये बीमारी फैलती है देखो यहाँ पर डिजीज पहले दिया गया और डिजीज के होने का वजह को कॉज को उसके बाद रखा गया है कॉज को उसके बाद रखा गया है तो यहाँ पर आपको वही रिलेशन ढूंढना है कि डिजीज पहले हो और उसका कॉज जो है वो आपका बाद में हो तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो पहला तो होगा ही नहीं कि प्वाइजन और डेथ ये आपका कहीं भी रिलेटेड नहीं है कोलेरा और वाटर कोलेरा जो है ये किसके वजह से होता है ये दूषित पानी पॉल्यूटेड वाटर के वजह से होता है किसके वजह से होता है डबल एल यू टी डी -E पॉल्यूटेड वाटर के वजह से होता है ठीक है ये यहां अगर हम बात करें रेट और प्लेग रेट और प्लेग में ये अगर होता ऑप्शन में कि प्लेग को पहले लिखा जाता ठीक है और उसके बाद अगर रेड को लिखा जाता तो ये ऑप्शन सही था ठीक है ये सही था लेकिन यहां पर पहले किसको दे दिया गया पहले रेट को लिखा गया है और बाद में किसको लिखा गया प्लेग को तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर कॉज को पहले रख दिया गया और डिजीज को क्या लिख दिया गया बाद में लिखा गया प्लेग को तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये आपका मेडिसिन और डिजीज मेडिसिन और डिजीज बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर रहा है तो कहने का मतलब क्या ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि पहले आपको डिजीज को रखना था बाद में आपको कॉज को रखना था तो कोलेरा और क्या हो जाएगा वाटर ये जिनने भी आंसर करा वो सही है ये देखने में जरूर सही लग रहा था लेकिन वो सही ऑर्डर में नहीं था ऑर्डर का हमें ख्याल रखना है कि किस ऑर्डर में उसका रिलेशन होना चाहिए ठीक है तो ऑप्शन क्या आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो, हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ठीक है बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर करा था कुछ ने ए आंसर करा था हिमांशी जी आदित्य यादव जी ठीक है जिन लोगों ने भी ए आंसर करा था उनका आंसर गलत था ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा ठीक है कोलेरा एक बीमारी है जो पॉल्यूटेड वाटर या वाटर से होने वाला वाटर बॉर्न डिजीज हम लोग इसको बोलते हैं जल जनित तो रोग है ना जल से होने वाला रोग जैसे मान लीजिए और भी बहुत प्रकार की बीमारियां हैं जो आपके वाटर से होती है जैसे मान लीजिए डायरिया की बात करें या हेपेटाइटिस ए बी जो होता है आपका पीलिया बीमारी जॉन्डिस वो भी आपका पानी की वजह से होता है आपकी टाइफाइड की बात करें तो वो भी आपका पोल्यूटेड वाटर की वजह से होता है तो ऐसे एग्जाम में आ सकते क्वेश्चन जिसमें आपका रीजन दिया हुआ हो डिजीज पहले फिर रीजन बाद में ऐसे करके चीजें दे रखी हो ठीक है चलो बहुत ही शानदार अच्छा इसके आंसर सारे लोगों का सही आ रहा होगा इसमें कुछ भी नहीं था एबीसी ए बी सी किससे रिलेटेड जेड वाई एक्स एबीसी किससे रिलेटेड है जेड ए का अपोजिट जेड बी का वाई और सी का एक्स ऐसे सी बी ए का बात कर रहा था सी बी ए किससे रिलेटेड हो जाएगा तो सॉरी एक्स Y और आपका Z ऑप्शन ए ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है ठीक है चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर जल्दी से देखिए और बताइए अब थोड़ा सा तेजी से करते हैं और फटाफट आंसर करते हैं आपके लिए हर क्वेश्चन में कुछ सेकंड का ही टाइम दे रहा हूं है ना और फटाफट आंसर करिए एक मिनट बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर करिए फटाफट देखता हूं एक बार चलो एक बार बाद में मैं इसको सेट करता हूं मैं सोच रहा था वो सेट कर दो भी छोड़ देता हूं चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या हो जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस टू एटीन सिक्स सिक्स जा थर्टी टू सॉरी थर्टी सिक्स प्लस टू क्या हो जाएगा थर्टी एट इसका बिल्कुल ही सही आंसर है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर पांचवें का बताइए कि क्या आंसर होगा फटाफट आंसर करिए पांचवें का ठीक है ठीक है सिक्स का स्क्वायर प्लस टू बहुत ही सही है श्याम सुंदर जी मनीष यादव जी वर्षा रंजन जी योगेंद्र जी ठीक है और राहुल विशाल योगेंद्र सभी लोगों का आंसर सही था ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव का बेटा जल्दी से आंसर करो सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा हो सारी चीजें क्लियर हो रहा हो हाँ ये बात सही है कि बहुत टफ क्वेश्चन आप ऐसे टॉपिक में नहीं ढूंढ सकते हैं ना कुछ ही क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो ट्विस्टेड होगा ना बाकी क्वेश्चन आपके थोड़े सिमिलर पैटर्न के ही होंगे तो आप लोग बस इसको जल्दी से प्रैक्टिस कर दो एग्जाम में जाओ ऑनलाइन तो एकदम धुआं धुआं कर दो पेपर में एकदम जा करके स्कोर करना है और आपको बस वही है वन के अराउंड स्कोर करना है आपके सलेक्शन के

बफरिंग हो रहा है क्या गेम प्ले बता रहे बफरिंग बेटा बफरिंग तो नहीं हो रहा है, अभी तो सही से काम कर रहा है सारी चीजें रंजीत कुमार कुशवाहा मनीष यादव जी चलो ठीक है हिमांशु कुमार जी निवेदिता जी प्रेजेंट हो क्या अभी बेटा वो आई नहीं है अभी तक शीला देवी शी ऑप्शन कर रही है ठीक है प्रज्वल एंसर कर रहे हैं आपके ठीक है पूल इज स्टैगेंट बिल्कुल बिल्कुल देखो यहां पर परवाह फ्लो और रिवर स्टैगेंट किससे रिलेटेड है देखो नदी में परवाह होता है रेन का पानी भी परवाह होता है स्ट्रीम में भी आपका फ्लो होता है इन सब में क्या होता है आपका फ्लो होता है ठीक है ये सारे में फ्लो, फ्लो होता है यहां भी आपका फ्लो होता है ये पुल का ही पानी जो है वो क्या होता है आपका स्टैगेंट होता है स्टैग्नेंट होता है ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन का आंसर क्या होगा फटाफट फटाफट जल्दी से आंसर करो सारे लोग चलिए पॉ रिलेटेड है कैट के साथ हुफ खूब किसके साथ रिलेट होगा खूब किसके साथ रिलेट होगा तो पंजाब बिल्ली से संबंधित खूर किससे संबंधित होता है हो आपका हॉर्स से ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इंथोलॉजिस्ट बर्ड से आर्कियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होगा चलो ठीक है ठीक है डी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का डी आ रहा है सेवन का ठीक है अब क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं जल्दी से आंसर करिए कि क्वेश्चन नंबर एट का क्या उत्तर होगा पक्षी विज्ञान पक्षी से पुरातत्वविद किससे रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होता है आर्कियोलॉजी से ठीक तो आर्कियोलॉजी वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी इसके बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएंगे ठीक है ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है मूव करता हूं अगले क्वेश्चन में सारे लोगों ने सही आंसर करा है ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट का सभी बच्चों का आंसर सही है शीला देवी जी गिम रॉबिन ठाकुर जी राहुल जी मांसी जी मानसी सिसोदिया जी बाकी सभी बच्चे ठीक है विशाल जी सारे लोगों का आंसर सही है जीतू सिंह जी इनका भी आंसर सही है बेटा सही आंसर करे क्वेश्चन नंबर नाइन का जल्दी से आंसर करो तो क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन का पीकॉक किससे रिलेटेड है इंडिया से बियर किससे रिलेटेड होगा मोर भारत से जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार भालू भालू इन, उन सेम पैटर्न में किससे रिलेटेड होगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या रसिया रसिया से संबंधित है ठीक है किससे संबंधित हो जाएगा आपका रसिया ऑप्शन नंबर नाइन नाइन का क्या आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया से अगर रिलेट करता तो कंगारू को रिलेट करता किसको कंगारू को ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल नहीं होगा जिन लोगों ने भी ए आंसर कराया वो गलत है ना चलो मूव करते क्वेश्चन नंबर टेन की ओर फटाफट देखिए और टेन का आंसर करिए कि क्या आंसर होगा रितेश जी आंसर कर रहे हैं सी हिमांशी जी ए आंसर कर रहे ए लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था ठीक है अब जल्दी से बेटा आंसर करो आप लोग क्वेश्चन नंबर टेन टेन का आंसर क्या होगा अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं लेटर वाले एनालॉगी पे लेटर से रिलेटेड है जल्दी से बताइए कि इस एनालॉगी में क्या काम हो रहा है ठीक है चलिए ए सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना है ना सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा चलो यहां अगर हम बात करें बी ई जी के ए ए डी एफ जी और पी एस वी वाई अगर हम बात करें यहां पर बी से ए हो रहा है मतलब क्या हो रहा है माइनस वन मतलब एक प्रीवियस लेटर में बदल दे रहा है किस में बदल दे रहा है प्रीवियस लेटर में हम लोग बात करें यहां पर ई e, ई e से डी हो रहा है जी से एफ हो रहा है के से आपका जे हो रहा है कहने का? का मतलब एक एक लेटर पीछे पी के प्रीवियस लेटर में अगर हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका ओ ओ पी तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे बी आंसर आ रहा होगा सारे बच्चों का है ना चलो भाई क्वेश्चन नंबर इलेवन ठीक है दस का बी दस का बी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का बी आ रहा है ठीक है श्रावन कुमार जी मनीष यादव जी सोनू जी राहुल लोक लोकैफ जी क्या नाम था थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है ठीक है बाकी रितेश कुमार जी सबका आंसर आ रहा है अभी अब बेटा जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन का क्या आंसर होगा ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू एफ यू उसके बाद क्या होना चाहिए चलो यहां अगर हम बात करें ए बी सी डी ई एफ उसके बाद क्या आएगा जी और एच ठीक है और यहां अगर बात करो तो ज एक अपोजिट ज बी का वाई सी का एक्स डी का डब्ल्यू ई का बी एफ e का यू जी का टी और एस का एच का एस जी टी एच एस जी टी एच एस कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही आंसर है जी टी एच एस है ना यही आंसर होगा चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ओर जल्दी से देखो फटाफट सारे लोग आंसर करो कि 12 का आंसर क्या होना चाहिए ठीक है 11 का ए आ रहा है बहुत सारे बच्चों का है ना ू एक्स वाई और जेड ठीक है यही पैटर्न चल रहा था, 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 था प्रीवियस लेटर में एस टी यू बी उल्टा ऑर्डर में अगर हम चले तो वहां पर आपका एस से शुरू होकर जेड तक जा रहा था ठीक है सही है अब बेटा जल्दी से आप लोग आंसर करो ट्वेल्व नंबर का क्या आंसर होगा ए सीईजी आई के एमओ क्यू एस यू डब्ल्यू इसी पैटर्न में आगे के लेटर क्या आ जाएंगे ठीक है फटाफट आंसर करिए ठीक है वाई ए E अच्छा यहाँ अगर हम बात करें इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे या तो हम ये करें कि देखो यहाँ पर एक काम ये कर सकते थे कि ए सी ई और जी ठीक है और यहाँ था आपका आई के एम और ओ यहाँ अगर बात करो ए का प्लेस होता है वन और आई का प्लेस होता है आपका नाइन तो यहाँ कितना एड हो रहा है आपका एट यहां सी का प्लेस होता है थ्री और के का प्लेस होता है आपका इलेवन यहां भी अगर आप बात करो कितना प्लस हो रहा है आपका एट यहाँ फाइव होता है ई e का प्लेस और एम का प्लेस होता है थर्टीन इसमें भी कितना ऐड हो रहा है प्लस एट तो कहने का मतलब इन सारे में क्या एड हो रहा है प्लस एट हो रहा है या फिर दूसरा ये भी आप चेक कर सकते थे इसके ऑर्डर को भी ऑर्डर को कैसे चेक कर मान लो ए हम लोग ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि ए का प्लेस होता है वन सी का थ्री ई e का फाइव जी का सेवन आई का नाइन के का इलेवन एम का थर्टीन ओ का फिफ्टीन देखो दो दो लेटर गैप है वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन इसके बाद देखिए सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री अच्छा ट्वेंटी थ्री तक अगर हम चले गए ट्वेंटी थ्री के बाद क्या आ जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के बाद ट्वेंटी सेवन आएगा तो ट्वेंटी सेवन लेटर नहीं होता तो लेटर कितना होगा वन ट्वेंटी सेवन के बाद ट्वेंटी नाइन हो जाएगा

एस का प्लेस होता है 19, इसमें अगर आप आठ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन हो जाएगा और ट्वेंटी सेवन नंबर क्या आता है आपका ए क्योंकि छब्बीस लेटर के बाद अगला लेटर प्लस वन बनेगा तो वन नंबर पर आ जाएगा आपका ए कहने का नहीं, मतलब आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ आंसर आपका क्या आएगा सेम ही आएगा दो में से कोई एक पैटर्न बाकी बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही था थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने है ना चलो अगले क्वेश्चन को देखो ठीक है सारे लोगों का आंसर सही था मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसमें कर दिया कि थोड़ा आपको एक बार दिख भी जाए कि है ना कोई आप इस प्रोसेस से बनाओ कोई दूसरे प्रोसेस से बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अब जल्दी से आप लोग आंसर करो क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन का आंसर क्या होगा तेरह नंबर का चलिए ठीक है ठीक है बी सी एफ जी एच आई एल एम एन ओ आर क्यू इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से चलो ठीक है यहाँ अगर हम बात करें बी सी एफ और जी यहाँ और इसको कन्वर्ट कर दे रहा है एच आई एल और एम में तो कितना प्लस हो रहा है आपका तो प्लस सिक्स हो रहा है प्लस सिक्स प्लस सिक्स इनमें भी हो रहा है प्लस सिक्स प्लस सिक्स करके हो रहा है तो एन ओ आर क्यू इन सब में अगर प्लस सिक्स करेंगे चौदह छः कितना हो जाएगा आपका बीस बीस नंबर पर क्या आ जाएगा आपका बीस नंबर पर आ जाएगा आपका टी उसके बाद ओ में अगर हम प्लस सिक्स करें प्लस सिक्स करने पर आपका पंद्रह छह क्या हो जाएगा आपका एक इस टी यू वाले ऑप्शन कौन से हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर फोर्टीन का आंसर बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा फोर्टीन नंबर का फटाफट सारे लोग ठीक है ठीक है सारे लोग फटाफट आंसर करिए आप चाहे तो उसको ऑर्डर सीरीज को लेकर के कर सकते हो या फिर आप मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे प्रोसेस यूज कर सकते हैं चलिए फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए जेड आर वाई और क्यू यहां बात करें जेड का प्लेस आपका ट्वेंटी सिक्स आर का प्लेस एटीन वाई का पच्चीस और क्यू का आपका सेवनटीन तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपका क्या हो रहा है माइनस एट हो रहा है यहां अगर बात करें यहां आपका प्लस सेवन हो रहा है यहां बात करें तो यहां आपका क्या हो रहा है माइनस एट हो रहा है तो माइनस एट प्लस सेवन माइनस एट यही पैटर्न आपका के से जे और बी में हो रहा है ग्यारह ये हो गया आपका थ्री यहां हो गया टेन और ये हो गया आपका टू इसमें आपका क्या कर रहा है माइनस एट कर रहा है इसमें क्या कर रहा? आपका प्लस सेवन कर रहा है और यहां पर क्या कर रहा है माइनस 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 देखो प्लस प्लस ये ऑर्डर चल रहा था यहां अगर बात कर, क्यों इसको मैं एक ऑर्डर में नहीं लिया क्योंकि अगर आप माइनस प्लस करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में नहीं आता पंद्रह माइनस करने पर आ रहा था लेकिन इसमें ये ऑर्डर मैच नहीं कर रहा था इसीलिए हम लोग इसको अलग पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं ये आपका सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री ये हो गया पंद्रह और ये हो गया आपका ट्वेंटी टू इसको आप ऐड करोगे कितने नंबर पर सोलह चार बीस तीन तेईस और ये करेंगे माइनस एट और इसको ऐड करोगे तो ये आपका प्लस सेवन ये ऑर्डर चल रहा है इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में आपका यही ऑर्डर चल रहा है प्लस सेवन जी और इसमें प्लस सेवन करने पर तो आ, नहीं आ रहा है ठीक है तो ये तो होगा ही नहीं यहां अगर बात करें इसमें प्लस सेवन करने पर नाइन प्लस सोलह सोलह होना चाहिए तो ये भी नहीं हो रहा है ना यहां अगर बात करें ई e, e और एल प्लस सेवन करने पर आपका ऑर्डर सेम हो रहा है इसमें अगर बात करें माइनस एट हो रहा है और यहां अगर बात करें प्लस सेवन यही आंसर होगा आपका ऑर्डर अगर हम बात करें ई एल डी के इसमें अगर बात करें इसके प्लेस हैं पांच बारह पाँच बारह के बाद आपके ऑर्डर हो जाएंगे डी का प्लेस है फोर और के का आपका इलेवन यहां अगर बात करें प्लस सेवन माइनस एट और ये हो गया आपका प्लस सेवन यही ऑर्डर चल रहा था प्लस सेवन माइनस एट और प्लस सेवन यहां पर आप अगर गौर करेंगे माइनस सेवन सॉरी प्लस सेवन माइनस एट और प्लस सेवन यही ऑर्डर चल रहा था ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा आपका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी चलिए मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था जोड़ घटा वाला है ना चलिए फटाफट आंसर करिए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यहां से हम लोग थोड़ा सा रिलीज़ कर रहे हैं चीजों को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके सॉल्व होते हैं अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप माइनस फिफ्टीन ऑर्डर लेते तो काम नहीं कर रहा था जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप जेड और जेड का प्लेस होता है छब्बीस और के का प्लेस होता है ग्यारह इसमें आप माइनस फिफ्टीन करेंगे तो ये पी का प्लेस सोलह होता है इसमें अगर आप करेंगे तो ऑर्डर में ए आना चाहिए तो ए किसी ऑप्शन में ए से शुरुआत हुआ नहीं था इसलिए ये वाला ऑर्डर काम नहीं कर रहा था ना अच्छा इसके आंसर सारे लोगों ने सही करा होगा कि के ई ए, ए सी तो इसको उल्टा करके लिख दिया ए, 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 तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ एम जी और एक्स एफ एम जी एक्स एफ एम जी एक्स कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ये सारे लोगों ने सही आंसर करा होगा जल्दी से अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन का क्या आंसर होना चाहिए ठीक है रिवर्स किया हुआ था पीडीएफ अच्छा इसके पीडीएफ जो है अपलोड कर दिए जाएंगे आज वो नंबर वाले दूसरे जो ये पीडीएफ बचे हैं इसको मैं अगले क्लास तक अपलोड करूंगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है नितिन कुमार गौर जी ऑप्शन आ रहा था बी बिल्कुल सही है फिफ्टीन का आपका बी ही आएगा ठीक है चलो 16, 16 का आंसर करिए कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए नंबर का आंसर जल्दी से बताइए ठीक है चलो बेटा जल्दी से आंसर करो प्रज्वल जी नितिन कुमार जी हिमांशी जी विशाल कुमार जी योगेंद्र कुमार जी विमल जी सारे लोग आंसर करके बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा 16 का 16 का कुछ बच्चे आंसर करें बी चलिए एक बार देख लेता हूँ सी ओ आर डी ई और एन ये आपके थे यहाँ पर आपका लिखा गया जेड आर ओ जी बी और आपका क्यू यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लेस है थ्री ये आपका ट्वेंटी सिक्स ये है आपका फिफ्टीन ये आपका एटीन आर का प्लेस है आपका एटीन और ये आपका फिफ्टीन फोर सेवन फाइव टू फोर्टीन और आपका सेवनटीन यहाँ अगर आप गौर करो तो ये आपका माइनस थ्री हो रहा है यहाँ अगर बात करें सॉरी यह आपका प्लस थ्री हो रहा है आगे बढ़ के सॉरी पीछे के ऑर्डर में जाए तो इसमें माइनस थ्री हो रहा है माइनस थ्री यहां और आपका प्लस थ्री ये आपका माइनस थ्री हो रहा है यहां आपका प्लस थ्री हो रहा है यहां आपका माइनस थ्री हो रहा है यहां आपका प्लस थ्री हो रहा है तो एक बार माइनस थ्री कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं प्लस थ्री रिवर्स रिवर्स में जाकर के माइनस किया गया है ना इसीलिए आगे बढ़ते तो प्लस में कर देते इसको तो माइनस थ्री प्लस थ्री का ऑर्डर है तो यहाँ पी के साथ किस लेटर के साथ प्लस माइनस थ्री करेंगे कि पी हो जाएगा पी का प्लेस होता है सोलह तो यहां अगर हम बात करें सोलह उन्नीस में से अगर हम तीन घटा दें क्या होगा आपका सोलह मतलब पी आ जाएगा उन्नीस नंबर प्लेस किसका होता है एस का एस वाले एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बी ही इसका सही उत्तर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की ओर सेवनटीन का क्या आंसर होना चाहिए फटाफट आंसर करिए एक बार जल्दी सही है नितिन कुमार जी बिल्कुल सही आंसर है विशाल कुमार जी आपके भी आंसर सही है ठीक है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को आ, ये कर दे रहा हूं एक्सप्लेन कर दिया हूं तो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए किसी वजह से किसी भी बच्चे को अगर ना समझ में आए तो भी हम उसको अच्छे से समझा पाए है ना सारी चीजों को यहां देखिए और जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए यहां पर क्या पैटर्न काम कर रहा है तो यहां पर काम कर रहा है आपका क्या प्लस फोर वाला पैटर्न क्या कर रहा है प्लस फोर एल एल का प्लेस होता है बारह और पी का प्लेस होता है सोलह तो बारह चार सोलह के का प्लेस होता है ग्यारह और ये होता है पंद्रह प्लस फोर क्या हुआ है तो ऐसे कौन से पोजिशन है जिसमें प्लस फोर करने पर आपका एच जी एफ आ जाए तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा डी में प्लस फोर करेंगे तो एट हो जाएगा सी सी का प्लेस होता हो, है थ्री थ्री प्लस फोर और बी बी का फोर टू टू का प्लस फोर ठीक है ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी तो सारे ऑप्शन में था पर डी के बाद की अगर हम बात करें यहां पर चीजें अलग अलग थी तो यहां पर सी होना चाहिए डी के बाद सी उसके बाद क्या आएगा आपका बी आएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर एटीन की ओर थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूं ना फटाफट सारे लोग आंसर करो ठीक है अजय बेटा कौन सा समझ में नहीं आया चलो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहां देखो यहां पर था एल के और जे एल का प्लेस होता है बारह के का होता है ग्यारह और जे का प्लेस होता है टेन और इसको लिखा गया था पी ओ और एन यहाँ बात करें ये सोलह हो गया ये पंद्रह हो गया और इसका प्लेस होता है चौदह तो इन सब में क्या ऐड किया जा रहा है तो प्लस किया जा रहा है किसको फोर को यहाँ ऐड करोगे यहाँ पर ऐड करोगे यहाँ पर ऐड करोगे क्या ऐड करोगे फोर प्लस फोर करने पर हो रहा है ऐसे ही आपको देखना था किस प्लस फोर करने पर एंसर आएगा ठीक है चलिए मूव करते हैं एडिंग नंबर नंबर एक बार जल्दी से आंसर कर देना हिमांशी जी आंसर कर डी ठीक है डी उसका आंसर बिल्कुल सही था एक बार मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया जिनको भी अब मान लीजिए समझने में दिक्कत हुआ होगा सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को है ना चलो बेटा जल्दी से आंसर करो इसका एटीन नंबर का क्या आंसर होगा कंप्यूटर कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है एफ क्यू पी आर चलिए ठीक है क्या आंसर होगा सारे लोग आंसर करके बताइए फटाफट अब बात सली पूछ रहे सर इतने दिनों तक तो कहा था बेटा मैं थोड़ा बाहर था ना अभी आ गया हूँ वापस से सारे लोगों के साथ जुड़ गया हूँ कोई बात नहीं आप सब बस ऐसे ही जुड़े रहिए चलो बेटा जल्दी से देखते हैं इसका देखो कंप्यूटर कंप्यूटर की बात करें इसको क्या लिखा जा रहा है एफ क्यू पी आर एक्स बी एच और टी देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो सी का प्लेस होता है आपका थ्री और एफ का प्लेस होता है कितना सिक्स सी का प्लेस होता है थ्री और एफ का प्लेस होता है सिक्स तो कितना प्लस कर रहा है थ्री प्लस कर रहा है अच्छा ओ की बात करें ओ का होता प्लेस होता है पंद्रह और क्यू का प्लेस होता है सत्रह पंद्रह और सत्रह में कितने का डिफरेंस है प्लस टू का यहां एम एम की बात करें एम का प्लेस होता है तेरह और ओ का प्लेस होता है सॉरी पी का प्लेस होता है कितना सोलह इसमें क्या कर रहा है इसमें आपका प्लस थ्री कर रहा है यहां अगर बात करें पी का प्लेस होता है सोलह और आर का प्लेस होता है एट्टीन यहां पर क्या कर रहा है यहां पर आपका प्लस टू कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जो है प्लस थ्री और प्लस टू के रूप में काम कर रहा है किस ऑर्डर में प्लस थ्री एक बार कर रहा है एक बार प्लस टू कर रहा है तो यहाँ एल एल की बात करें एल का प्लेस आपका बारह तो एल में प्लस थ्री करेंगे एल में क्या करेंगे प्लस थ्री तो आपका हो जाएगा पंद्रह पंद्रह नंबर पर क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा तो ओ वाले ऑप्शन सारे हैं तो कोई बात नहीं हम इससे छांट नहीं सक रहे हैं तो अगले ऑप्शन में हम लोग बढ़े इसमें आप प्लस टू करो प्लस टू करेंगे तो ए का प्लेस होता है 1, प्लस टू करेंगे तो थ्री ऑप्शन क्या है सी तो ओ के बाद C. पहला ऑप्शन तो कट गया अब ये तीनों बचा है इसमें से अब कोई भी एक हो सकता है N, N की बात करें, प्लस थ्री करेंगे चौदह तीन सत्र सत्रह नंबर पर क्या आ जाएगा क्यू जी की बात करें प्लस टू करेंगे प्लस टू करेंगे तो आई हो जाएगा नाइन इसमें प्लस थ्री करेंगे इक्कीस प्लस तीन चौबीस एक्स हो जाएगा अच्छा ऐसे ऑप्शन कौन से हो रहे हैं ओ सी क्यू आई ओ सी क्यू आई उसके बाद ये भी ऑप्शन कट गया उसके बाद एक्स होना चाहिए था ऑप्शन सी यहां तक आ ही रहा है उसके बाद एक और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमें आई आई में अगर हम लोग बात करें प्लस टू करें तो क्या हो जाएगा सी तो इसमें आपका यहां भी सी आ रहा है अगले प्लेस में जाए अगर हम प्लस थ्री करें तो क्या आ जाएगा आपका जे आ जाएगा क्योंकि जी प्लस थ्री करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जे हो जाएगा तो ये आपको एक ऑर्डर में ध्यान में रखना है कि एक बार हम लोग प्लस थ्री कर रहे हैं एक बार आपका प्लस टू कर रहे हैं इसी ऑर्डर में अगर हम चलें तो आपके ऑप्शन नंबर क्या आंसर होंगे सी आंसर हो जाएगा इसमें बहुत सिमिलर ऑप्शन था आपके एग्जाम में अगर इस ऐसे ही बहुत सिमिलर ऑप्शन रहेंगे तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है तीस चालीस सेकेंड भी आपको चेक करने में लग सकता है

ते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा यहीं पे ड्रॉप करें चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 से अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर दिया अब लगभग 12 और क्वेश्चन हम लोग करेंगे लगभग मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन इस टॉपिक में हमने कर रखा है कर, कर लेंगे ठीक है अगले क्लास तक और वो टोटल क्वेश्चन आपको एक पी के रूप में अपलोड किया हुआ मिल जाएगा आपके एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर वहां पर हम लोग इसको अपलोड करवा देंगे ठीक है कोई भी डाउट हो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको आप अगर सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिस सेट बना रहे हो या किसी बुक से सॉल्व कर रहे हो कोई आंसर आपका गलत आ रहा हो या कहीं ना कहीं हो सकता है कभी कभी बुक में मिसप्रिंट रहता है गलत आ जाए तो आप क्या करेंगे एग्जामपुर का जो ऑफिशियल नंबर है जो व्हाट्सअप वाला उस पर क्वेश्चन सेंड कर देंगे और क्वेश्चन सेंड करने के बाद ये मेंशन कर देंगे कि क्वेश्चन रीजनिंग बाय राजेश मिश्रा सर क्या मेंशन कर देंगे राजेश सर मेरा नाम मेंशन कर दीजिएगा राजेश मिश्रा सर ठीक है तो मेरे पास वो क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके जो भी डाउट होंगे या तो मैं क्लास में या फिर वहां पर व्हाट्सअप करके आपके आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगा किसी भी तरह का कोई भी डाउट कुछ भी आपको ऐसा पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं ठीक है डायरेक्टली हम लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हम लोग आपके अपने चैनल मतलब एग्जाम्पुर के थ्रू कनेक्ट होंगे एग्जाम्पुर ऑफिशियल नंबर के थ्रू है ना सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का बहुत धन्यवाद बस जुड़े रहिए हाँ मैं थोड़ा दिन के लिए एबसेंट था उसके लिए बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ है ना आप सब अपना जो है हमारे तरफ वो बनाए रखिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एग्ज़ाम क्लियर करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एफ कैट में आपका रीजनिंग सबसे बेहतरीन और सबसे स्कोरिंग होगा एकदम ध्यान से पढ़िए हाँ मैं बहुत जल्दबाजी नहीं कर पाता पढ़ाने में मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को अच्छे से समझाया जाए आराम से किया जाए और ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए प्रैक्टिस करते वक्त पचास साठ क्वेश्चन लगाया जाए

आता रहा मतलब किसी साल इस बार आया फिर दो साल गैप करके आया फिर एक साल पीछे वाले में आया किसी और सेट में आया किसी अलग सेट में, आ गया। एक, एक 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 में चार पांच सेट में अगर पेपर हो रहा है तो अलग अलग सेट में आ गया है ना तो कहने का मतलब रिपीट होता रहता है तो आप लोग इसको बस अच्छे से करते रहिए क्लास में प्रैक्टिस करिए क्लास ही सफिशियंट आपके नॉलेज के लिए बस आपके इसके अलावा बाकी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस जो करवाएंगे उसमें आपको सारी चीजों को देखते रहना है ठीक है चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए क्योंकि आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है ताकि आप दूसरों का मदद कर सकें आप अपने लिए भी कुछ कर सकें और दूसरों के लिए भी काम आ सकें तो आप अपना बेहद अच्छे से ख्याल रखिए कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य अच्छा रहे तभी आप पढ़ाई और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति जागरूक और सचेत रह पाएंगे चलिए जय एग्जामपुर कर जय एग्जामपुर जय हिंद दोस्तों